हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम रिव्यू करने आए हैं गोरिल्ला 450 का, और जो कि रॉयल एनफील्ड की बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ बाइक है। अभी मैं आया हूँ मनमोहन ऑटो स्टोर चंडीगढ़, एंड लोकेशन वगैरह मैं इस शोरूम की आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दूंगा, एंड नीचे कमेंट में कर दूंगा। अगर आप लेना चाहते हो, कुछ भी क्वेरी, कुछ भी सवाल हो, आप तो यहाँ पर आके ले सकते हो। सो गाइस, ये है हमारे सामने रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। ये चेक करो, यहाँ पे गोरिल्ला 450 की बर्जन नाम लिखा है, एंड ये जो है ब्लैक कलर में है। इसके अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इसमें 5 कलर्स आते हैं टोटल। ये है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। आइए आज हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके सारे फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स है, प्राइस क्या है इसमें, ऑन रोड प्राइस क्या है इसका, एंड शोरूम प्राइस आपको क्या मिलेगा। ओवरऑल जो है इसमें मतलब सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, शुरू करते हैं इसके की से। ऐसी कुछ इसमें आपको की मिलती है, एंड यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिलता है, एंड इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं की को। ऐसे कुछ यहाँ पे की लगती है। एक्चुअली ये टेस्ट राइड व्हीकल है तो थोड़ा सा गंदा है, बारिश वगैरह हुई थी तो डोंट माइंड गाइस, ये थोड़ी सी गंदी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं भाई इसके फ्रंट से। फ्रंट में आपको ऐसा कुछ इसका लुक्स देखने को मिलता है, एंड ये चेक करो। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, और ये हमें लाइट मिलती है इसमें LED, और ये चेक करो पूरा मतलब ऑल LED सेटअप मिलता है, एंड ये इंडिकेटर भी जो है हमें LED मिलते हैं, एंड ये स्ट्रेचेबल हैं। ये देखिए, ये रहे इंडिकेटर। और आइए अब बात करते हैं इसके फोक्स की। तो इसमें आप टेलीस्कोपिक जो है इसमें आपको फोक्स मिलते हैं, शोवा के जो है आपको इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिलते हैं। अब बात करते हैं गाइज इसके टायर्स की। टायर जो है मतलब इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे मतलब वाइडेस्ट टायर जो है मुझे लगता है कि अभी रॉयल एनफील्ड ही दे रहा है। एक बार आप चेक करो कि कितने ज़्यादा ये वाइड हैं, ये चेक करो। एंड मैं अब आपको इसका जो है साइज़ बताता हूँ कि साइज़ क्या है इसका। टायर हमें C8 के इसमें मिलते हैं, एंड आई थिंक ये रेडियल टायर होंगे। हाँ, ये रेडियल टायर है, और साइज़ जो है 120। यहाँ पे अभी थोड़ा उल्टा है टायर, तो साइज़ जो है हमें 120/17/17 का मिलता है, और टायर का साइज़ जो है 17 इंच है अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो। इतना वाइड टायर जो है मुझे लगता है कोई नहीं दे रहा है अभी तक इस सेगमेंट में। एंड ब्रेक्स की बात करूँ तो डुअल ABS का जो आपको सेटअप मिलता है, बाइब्रे के आपको इसमें ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रंट अगर मैं डिस्क की बात करूं, डुअल डिस्क डुअल ABS के साथ ही आती है। अगर मैं फ्रंट डिस्क की बात करूं, इसका साइज़ जो है 310mm का है। एंड रियर की ब्रेक मैं आपको बताता हूं, रियर की ब्रेक्स जो है इस साइड हमें मिलेंगी, और इसका साइज़ जो है 270mm का है, एंड डुअल ABS के साथ आती है। एंड चेक करें गाइज, अगर देखें ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड जो है, काफ़ी ज़्यादा बड़े डिस्क ब्रेक्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रियर टायर के साइज़ की। रियर में जो आपको टायर है मतलब हमें मैक्सिमम जो है इस सेगमेंट में हमें अभी तक जो है टायर की बात करूं तो 150 तक देखने को मिलता है, बट इसमें जो है हमें सबसे ज़्यादा वाइड मिलता है 160 सेगमेंट का टायर मिलता है। 160/60/17 का जो हमें इसमें टायर मिलता है। पीछे वाला टायर भी 17 इंच का है, दोनों टायर जो है 17 इंच के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया जो है इसमें हमें चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। और अब गाइज मैं इसके ओवरऑल वेट की बात करूँ, वेट जो है हमें 174 kg का मिलता है, मतलब विदाउट फ्यूल। अगर हम फ्यूल के साथ इसके वेट की बात करें तो 185 kg तक जो है इसका वेट हमें ओवरऑल मिलता है। एंड ये इसका रहा साइलेंसर, एंड एग्जॉस्ट की आवाज़ भी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा, एंड प्राइस भी जो है मैं एंड में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं टैंक की। यहाँ से कुछ ऐसी इसकी टैंक प्रोफाइल है, एंड अलग अलग ग्राफिक अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे, और ये ब्लैक कलर है बेसिकली। और यहाँ पे गोरिल्ला की बैजिंग, एंड ये चेक करो यहाँ से बैक में। एंड एक चीज़ जो है आप इस बाइक में चेक करोगे कि इसमें मिसिंग है, एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से कमेंट करना कि क्या वो चीज़ है वो इसमें मिसिंग है कि जो हमें नॉर्मल बाइक्स में देखने को मिलती हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है इसमें जो है हमें देखेंगे। अगर ऐसे ध्यान से देखेंगे तो हमें रियर में जो ब्रेक लाइट है वो देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आपको इंडिकेटर इसके बैक में देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं इंडिकेटर के बीच में आपको ब्रेक लाइट भी मिलेगी। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली जो है इसकी लुक्स को मतलब यहाँ से एनहेंस करके बनाया है। बिल्कुल आप यहाँ से चेक करो, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, बिल्कुल ऐसे कर्व जो है हमें देखने को मिलती है। अब टैंक की बात करें, टैंक हमें इसमें टैंक जो हमें मेटल का मिलता है, बाकी सारी चीज़ें जो है
बात करें इस पार्ट की तो ये प्लास्टिक पार्ट है, एंड मडगार्ड की बात करें तो ये प्लास्टिक का है। रियर फेयरिंग की बात करें तो ये भी प्लास्टिक की है, एंड ये पूरी फेयरिंग जो है राइट से लेकर लेफ्ट तक एक ही फेयरिंग है। एंड यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो है प्लास्टिक मिला है। सो प्लास्टिक यूज़ करने का मतलब पर्पज़ यही है कि वेट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम करने की कोशिश करें कि कम से कम वेट हो, एंड थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल जो है थोड़ा कॉस्टली कम होता है, ये बात है। अब बात करते हैं इसमें जो है हमें इंजन कौन सा मिलता है। ये रहा इसका इंजन, इंजन की बात करूँ मैं इसके तो 452 cc का जो है हमें सिंगल सिलेंडर जो है वो इंजन मिलता है। और ये इसका इंजन गार्ड जो कि प्लास्टिक है, एंड भाई एग्जॉस्ट बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, मेरा हाथ जल गया अभी। इंजन जो है इसमें हमें जो कि हमें जो हिमालयन में जो हमें इंजन मिलता है वही हमें इसमें इंजन मिलता है, बट इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा चेंज करा गया है। अब बात करूँ मैं मैक्सिमम पावर की तो मैक्सिमम पावर जो हमें इसमें मिलता है 40 PS का जो है हमें पावर मिलता है 8000 RPM पे। और टॉर्क की बात करूँ टॉर्क हमें मिलता है 40 Nm का ही सेम हमें टॉर्क मिलता है। और फ्यूल सप्लाई की बात करूँ फ्यूल सप्लाई सिस्टम की तो फ्यूल इंजेक्टेड ही आती है। फ्यूल एमिशंस की बात करूँ तो गाइस ये आती है BS6 फेज 2 के साथ और E20 फ्यूल के साथ ही आती है। चेक कर सकते हो आप E20 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब E20 मीन्स इथेनॉल 20%। तो ये सब कुछ मतलब इंजन की स्पेसिफिकेशन है, इंजन के फीचर हैं, एंड वेट वगैरह मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आते हैं गियर की तरफ और यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो गियर लीवर है एंड 6-speed गियर के साथ ही आती है गियर बॉक्स के साथ। एंड एक बार ये इंजन चेक कर लो इस साइड से, ये देख लो गाइस यहाँ पे, एंड ये रहा इसका चेन स्प्रॉकेट। अब बात करें गाइस इसके क्लच की, क्लच इसमें आप स्लिपर क्लच मिल जाता है, एंड थोड़ा सा जो है मतलब ये मतलब काफ़ी लाइट फील होता है ऐसे, एक्चुअली ये थोड़ा सा बैंड है, आई डोंट नो ये टेस्ट राइड व्हीकल है तो पता नहीं अब इसका। तो ये देखो इसका थोड़ा सा ऐसे क्लच जो है लाइट है। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें जो है फ्यूल जो है 11 लीटर तक आ जाता है। एंड माइलेज की बात करूँ तो आपको 26 से 30 के बीच बीच में मतलब आपको इसकी ओवरऑल माइलेज जो है मिल जाएगी। एंड साइड प्रोफाइल ऐसी है इसकी देखने में। अब मैं कौन सी कैटेगरी में जो है बेसिकली हमारी ये बाइक आती है, ये जो हमारी कैटेगरी में बाइक आती है ये है रोडस्टर कैटेगरी। और मेन कंपटीशन जो मैं आपका इसका बताऊं इसका किसके साथ रहेगा, बेसिकली मेन कंपटीशन हार्ले होगी, हार्ले आई थिंक नाम मुझे पूरा पता नहीं है, बट हार्ले एक्स या हार्ले 450X या 400X कुछ ऐसे करके उसके साथ, एंड सेकेंड जो है ट्रैम्प के साथ। ये उस कैटेगरी में जो है ये बाइक आती है। बात करूँ मैं ट्रैम्प की, ट्रैम्प थोड़ा सा इससे जो है कम जो है मतलब प्राइस में 20-30 हज़ार जो है सस्ती है, बट अब देखना है कि इसमें मतलब जो फीचर्स इसमें मिलते हैं कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो इसमें मिलते होंगे उसमें नहीं मिलते होंगे, उस करके इसका प्राइस जो है थोड़ा सा महंगा होगा। अब यहाँ पे मेन ये आती है सिंगल सिलेंडर बाइक आती है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। यहाँ पे इसका रेडिएटर है, एंड ये चेक कर सकते हो आप, ये इसका साइलेंसर है, एंड यहाँ से ये जाता है सीधा साइलेंसर पीछे को, ये चेक करो। और साइलेंसर सेम आपको वही मिलता है जो कि आपको रॉयल इनफील्ड हिमालयन में मिलता है, यही वाला सेम इसमें साइलेंसर मिलता है। और यहाँ पे रियर फुटरेस्ट जो कि आपको मेटल के मिलते हैं, एंड ये रहे हमारे फ्रंट के जो है फुटरेस्ट, ये मिलते हैं हमें रबड़ प्लस मेटल के साथ। ये हमारा ब्रेक लेवर आ गया। अब बात करते हैं गाइस इसके कंसोल की, ऐसे कुछ आपको इसमें मिरर्स मिलते हैं, ये चेक कर लो, एंड बैक साइड से ये चेक कर लो, एंड ऐसी कुछ ये फ्रंट से देखने में लगती है, ये चेक करो गाइस। सो अब बात करते हैं गाइस इसके फ्रंट कंसोल की, ऐसा कुछ ये देखने को मिलता है इसका। एंड यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे आपकी की लगती है, एंड ये चेक करो, और ऐसे ही ओपन होता है गोरिल्ला की बैजिंग, और ये देख सकते हो आप ये इसका मीटर है। अब बात करते हैं गाइस इसके यहाँ से राइट साइड से, यहाँ पे हमारे एक्सीलेटर आ जाता है, एंड ये रहा हमारा इग्निशन का स्विच। यहाँ पे अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो इग्निशन ऑन हो जाएगा, अगर हम इसको लेफ्ट की तरफ करेंगे तो हमारा इंजन जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक स्विच मिल जाता है, ये हैजार्ड का है, एक बटन जो है हमें मोड चेंज करने के लिए मिलता है, यही कुछ हमें राइट साइड में देखने को मिलता है। एंड बात करें अब लेफ्ट साइड की तो यहाँ पे हमें लो बीम एंड हाई बीम का बटन मिल जाता है, ये हमारे इंडिकेटर के स्विच, एंड ये रही हमारी ये यहाँ पे एक जॉयस्टिक है, अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो ये एक जॉयस्टिक है जिसको हम अप डाउन राइट लेफ्ट कर सकते हैं, एंड सेंटर को भी प्रेस कर सकते हैं। ये काम आती है हमारे सेंटर कंसोल को यानी MID को कंट्रोल करने के लिए। 5 इंच या आई थिंक 4 इंच का जो है इसमें हमें TFT डिस्प्ले मिलता है, एंड ये हॉर्न रहा। अभी हम जो मीटर देख रहे हैं गाइस ये हमारा एनालॉग है, ये चेंज हो चुका है, अभी ये आ चुका है एनालॉग पे, अभी ये आ चुका है एनालॉग पे, ये देखो गाइस। सो अभी हम चेक करेंगे,
देखो अब इस पे हमें क्या आ जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा टैकोमीटर, टैकोमीटर के बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी स्पीड, ये चेक करो यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाती है एंड यहाँ पे हमारा गियर आ जाता है। अभी फर्स्ट गियर पे लगी है तो अभी मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, ये चेक करो अब ये न्यूट्रल हो चुकी है एंड ये हमारा एबीएस का एबीएस सेंसर का आ गया एंड ये हमारे यहाँ पे ट्रिप्स आ गए कि कितने किलोमीटर ये चली है, ट्रिप्स वगैरह, ये मतलब फ्यूल इंडिकेटर आ गया एंड बाकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ये इंजन का एंड ये बाकी सारे अलर्ट जो भी हमारी उस पर डिस्प्ले पे होंगे। गुरु ये सारे हमें जो है फीचर्स मेन हमें देखने को मिलते हैं इसमें। अगर हम इस जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ प्रेस करें तो हमें यहाँ पर ट्रिप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड अगर मैं इसको डाउन प्रेस करता हूँ तो हमें फ्यूल रेंज मिल जाती है एंड फिर से डाउन प्रेस करता हूँ तो और सारे फीचर्स आ जाते हैं, बैटरी वोल्टेज आ गई एंड इंजन टेम्परेचर आ गया। अगर मैं इसको फिर से डाउन प्रेस करता हूँ तो बस यही सब कुछ जो है हमें इसमें फीचर्स आते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, नेविगेशन फीचर्स के साथ ही आती है कि अगर हमें नेविगेट वगैरह करना हो, कॉल अलर्ट्स, कॉल रिसीव, ये सारी चीज़ें जो हमें इसमें मिल जाती हैं कि इस डिस्प्ले के साथ मिल जाती है कनेक्ट करके। एंड गाइस हमें जो है इसके साथ साथ यहाँ पे टाइप सी का जो है वो चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ही है। अब बात करें सीट की तो सीट जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट फील होती है, बट ऐसे ओवरऑल बात करें तो मतलब ठीक ठाक ही है लॉन्ग राइड वगैरह करनी हो। अब मैं आपको एक बार इंडिकेटर चेक करवाता हूँ इसके, ये इंडिकेटर्स कैसे हैं ये चेक करो गाइस। अगर आपको रेड लाइट जो है जली हुई दिख रही होगी अभी, ये इसी की मतलब ये ब्रेक लाइट्स की है। सेंटर में हमें जो है इसके इंडिकेटर मिलते हैं, बाहर इसके ब्रेक लाइट है, अंदर इसके इंडिकेटर हैं। अब इंडिकेटर में एक बार 4x4 इंडिकेटर दबा के आपको बताता हूँ, ये चेक करो। इस सिंपली इसको इस बटन को प्रेस करना है एंड हमारे 4x4 इंडिकेटर जो है जल चुके हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खल रही है कि यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ना मतलब ये मतलब मदरबोर्ड वगैरह जो है दिख रहे हैं लाइट्स के, ये थोड़ा सा मतलब लगता है कि ये दिखना नहीं चाहिए एंड ये सारा मेटल का है, लाइट जो हमें मेटल की मिलती है, ये इंडिकेटर है। अब मैं रियर इंडिकेटर आपको एक बार चेक करवाता हूँ, ये चेक करो ये रहे हमारे रियर इंडिकेटर। तो अभी गाइज इसको करते हैं इग्निशन को इसके स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। सिंपली हमें इसको प्रेस करना है, एंड अब गाइस बात करते हैं इसके प्राइस की, प्राइस कितना रहेगा इसका, ऑन रोड कितना रहेगा एंड यहाँ पे अभी चंडीगढ़ में ऑन रोड प्राइस जो है जो टॉप मॉडल है उसका पड़ रहा है 330 का जो है, 330,000 का जो है हमें पड़ रहा है। सो एक चीज़ गाइस जो मैं बताना भूल गया था वीडियो में, अभी ये पार्क कर लिया, इसकी जो सीट हाइट है 780 mm की है, मतलब बहुत मतलब कम कर दिया है हिमालयन के मुकाबले, क्योंकि इंजन तो इसमें हिमालयन का ही है बट सीट हाइट इसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। एंड मैं अभी आपको एक बार ऐसे बैठ के बताता हूँ, अभी इसकी चाबी नहीं है बट बैठ के बताता हूँ कि इससे जो पाँव कितने टच होते हैं नीचे, एंड ये चेक करो अभी मैं अकेला हूँ तो मेरे पाँव जो है इजीली जो है नीचे लग रहे हैं, बट अगर पिलियन बैठेगा तो उसके साथ भी जो है वो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है अगर पिलियन बैठेगा, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है। वैसे मेरी हाइट की बात बताऊँ तो मेरी हाइट जो है, अगर मैं अपनी हाइट की बात बताऊँ तो मेरी 5'8" इसके अराउंड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीट हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा कम है, ये चेक कर सकते हो आप। तो शॉर्ट राइडर जो है वो भी इसको आराम से चला सकते हैं। अभी भाई हम आ चुके हैं टेस्ट राइड पे एंड भाई अब हम जा रहे हैं टेस्ट राइड लेने इसकी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई स्टार्ट कर लिया इसको, फर्स्ट गियर डाल लिया। अभी हम एक छोटी सी टेस्ट राइड लेंगे इसकी एंड एक बार मैं गाड़ियां देख लूंगा, इस पीछे कुछ ही नहीं है, सो लेट्स गो। भाई अगर मैं बात करूं भाई इसके ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसमें, मतलब भाई साहब मतलब चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे एक्चुअली मैं इतना भगा तो नहीं सकता बट मैं अगर वैसे बात करूं राइडिंग पोजीशंस की एंड पावर की, भाई एकदम पुल आता है पीछे को, तो अभी मैं यहीं से यू टर्न ले लूँगा एंड आवाज़ अगर आपको आ रही होगी गाइस एंड गियर डाउन, पीछे चेक कर लेता हूँ, पीछे कुछ नहीं आ रहा, बस सामने वाली गाड़ियों को जाने देता हूँ एक बार। एंड भाई साहब मतलब अगर मैं बात करूँ टर्निंग रेडियस की तो बहुत सही है, और अब इसको थोड़ा सा भगाते हैं। भाई थोड़ा सा लैगी फील हो रही है गाइस मुझे, आई थिंक फ्यूल कम है या क्या चक्कर है,
आई डोंट नो। अभी हम यहीं से अंदर को टर्न ले लेंगे। भाई देखो राइडिंग पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी छोटी सी राइड में आपको एक तो राइडिंग पोजीशन बता सकता हूँ, राइडिंग पोजीशन भाई इसकी सही है। सो ये रहा भाई आपके सामने पूरा इसका रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 का जो है रिव्यू। लेट मी नो कमेंट में, कमेंट करके बताना गाइस कि कैसी लगी आपको ये। एंड अगर आप लेना चाहते हो तो भाई यहाँ पे मनमोहन मोटर रॉयल एनफील्ड के पास आप आ सकते हो। और कोई भी अगर कुछ भी बात हो मैं आपके साथ लोकेशन शेयर कर दूंगा, लोकेशन में आप बिल्कुल चेक करके आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, पूछ सकते हो सारी चीज़ें। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी जानना है तो आप आ सकते हो, परचेज़ करना हो तो आ सकते हो। सो लेट मी नो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड राइट से। बाय बाय गाइस।